अपन कर लेते हैं पहले। बोल दी क्वेश्चन क्या है। इतना ही आप यहाँ पे एल सी से लेजर बना रहे हैं कैपिटल है। कैपिटल अकाउंट अंडर में कैपिटल अकाउंट आ जाए एंटर थर की सेव कर दी। फिर आप एस्केप की से बेच जाते हैं बाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे एंट्री करेंगे एफ सिक्स से जैसे बाउचर टू में आ जाए तो कैपिटल अमाउंट बाय में आ जाएगा केस एंटर कर दी सेव कर दें। नेक्स्ट बोली माल खरीदने की एंट्री आप करेंगे एफ नाइन से परचेज बाउचर यहाँ पे एस बाउचर सिलेक्ट कर लेंगे टू में आएगा केस अमाउंट कितना 90,000। डिस्काउंट नहीं है इसको रोहित और बाय में आ जाए तो परचेस अल्टा प्लस सी से परचेज का लेजर बना लेंगे परचेज अकाउंट अंडर में आ जाए तो परचेज अकाउंट एंटर करके सेव। आप यहाँ पे नरेशन डालते हैं बी गुड्स परचेज बाय केस। आप जब यहाँ पे नरेशन डालते हैं अगर आप यहाँ पे फिर से माल परचेज करेंगे तो सेम नरेशन डालेंगे आप यहाँ अभी आपने एक नरेशन डाली बी गुड्स परचेज बाय केस। अगर आप यहाँ पे माल खरीदने की एंट्री कर रहे हैं जब जब आप माल परचेज करेंगे सेम नरेशन डालेंगे। अगर अभी आप यहाँ माल खरीद रहे हैं अभी आप सेम नरेशन डालेंगे तो बार बार आपको पूरा नरेशन ये टाइप करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपको बार बार पूरा नरेशन टाइप न करना पड़े पहले में आप इस नरेशन को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे कॉपी करने के लिए आप प्रेस करते हैं कंट्रोल अल्ट प्लस सी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी से ये कॉपी हो जाए और जब आप इसे पेस्ट करेंगे तब आप सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी। नॉर्मल जब आप एमएस वर्ड एक्सेल में से कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाता है लेकिन एक्सेल में ये कॉपी होता है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी से कॉपी होगा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी से ये पेस्ट हो जाएगा। अभी अपन ने इसे कॉपी कर लिया हम आपको पेस्ट करके आइए बता देंगे ठीक है एंटर करके सेव करते हैं। नेक्स्ट बोलिए इसकी एंट्री पे आप परचेज आउजन करेंगे अब टू में आ जाएगा मोहन का नाम अल्ट प्लस सी से मोहन के नाम का लेजर बना लेंगे मोहन से अकाउंट अंडर में आ जाएगा कंट्री क्रेडिटर एंटर करके सेव कर लेंगे कंट्रोल प्लस एन करेंगे अमाउंट कितना और डिस्काउंट 75,000 पे 3% रेट डिस्काउंट है मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 100 अमाउंट आएगा 2,250। आप 75,000 में से माइनस कर देंगे 2,250 तो अमाउंट आएगा 72,750। आप मोहन के सामने लिखेंगे 72,750 एंटर करेंगे यहाँ पे न्यू रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे बाय में आ जाएगा परचेज इसमें भी अमाउंट डालेंगे 72,750। आप सेम डायरेक्शन डालें तो आप यहाँ पे कंट्रोल अल्ट प्लस बी से पेस्ट कर देंगे यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब आप इसमें यहाँ पे ये चेंजेस कर लेना यहाँ पे केस की जगह पे आ जाए तो अंश क्रेडिट पूरा टाइप आपको नहीं करना पड़ेगा। पहले नगद माल था अब उधार माल है पहले आपने लिखा था पाई केस अब आप लिख देंगे ऑन क्रेडिट उधार माल है एंटर करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलिए पूरा क्वेश्चन बोल दीजिए फिर से बोलिए। इसकी एंट्री आप करेंगे एफ एड से सेल्स वाउचर यहाँ पे एफ वाउचर सिलेक्ट कर लें माल बेचना है तो माल जा रहा है केस आ रहा है बाय में आप लिखेंगे केस अमाउंट डाल देंगे 90,000 और टू में आ जाएगा सेल्स अल्टा प्लस सी से सेल्स का लेजर बना लेंगे सेल्स अकाउंट अंडर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट एंटर करके सेव एंटर करके आप इसे यहाँ पे सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलिए
आप फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, एंट्री करेंगी F5 से, पेमेंट वाउचर बाय में आ जाएगा फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, अल्टा प्लस सी से ले जाना है। अंडर में आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव। अमाउंट कितना है? 20,000। नेट बैंकिंग द्वारा पे किया है, मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है, तो 2 में आ जाएगा यहाँ पे बैंक, अल्टा प्लस सी से बैंक का ले जाना है। बैंक अकाउंट अंडर में आएगा बैंक अकाउंट, एंटर करके सेव। एंट्री हो जाएगी बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल और 2 में आ जाएगा बैंक, एंटर करके सेव। नेक्स्ट बोल। आप माल वापस करना तो एंट्री आप करेंगे डेबिट नोट में, ठीक। परचेस रिटर्न की एंट्री, एंट्री किस में होगी? डेबिट नोट में। अभी आप यहाँ पे डेबिट नोट का वाउचर सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने इसे एक्टिवेट नहीं किया। इसके लिए आप यहाँ पे प्रेस करते हैं F11। F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आप अकाउंटिंग फीचर्स पे आ जाएंगे। इसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है यूज डेबिट क्रेडिट नोट, इस ऑप्शन को आप यहाँ पे यस कर देंगे। ये तीनों ऑप्शन आप यहाँ पे यस कर देंगे, एंटर करके सेव कर देंगे, ठीक। अब आपको यहाँ पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का ऑप्शन देखने को मिल जाए। अब आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे डेबिट नोट क्योंकि परचेस किया हुआ माल वापस कर, तो बाय में क्या आएगा बताइए? बाय में आ जाएगा यस अमाउंट, और 2 में आ जाएगा परचेस रिटर्न, अल्टा प्लस सी से परचेस रिटर्न का लेजर बना लेंगे। परचेस रिटर्न अंडर में आएगा परचेस अकाउंट, एंटर करके सेव। एंट्री डेबिट नोट में हो जाएगी, बाय में आ जाएगा चेस, 2 में परचेस रिटर्न, एंटर करके सेव। नेक्स्ट बोलो। बैंक में जमा करना तो एंट्री करेंगे F4 से काउंटर वाउचर, 2 में आ जाएगा केस, और बाय में आ जाएगा बैंक, बैंक में जमा कर रहे, एंट्री हो जाएगी बाय बैंक अकाउंट टू केस, एंटर करके सेव। अब सेल्स रिटर्न है, जो माल अपन ने सेल किया था वो माल वापस आ रहा था, एंट्री आप करेंगे क्रेडिट नोट। अब इसमें 2 में आ जाएगा केस क्योंकि अपने पास से केस जा रहा है। अमाउंट तो बाय में आ जाएगा सेल्स रिटर्न, अल्टा प्लस सी से सेल्स रिटर्न को ले जाना है। ये अंडर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट, एंटर करके सेव। एंट्री हो जाएगी बाय सेल्स रिटर्न टू केस, एंटर करके सेव कर दो। और भी है इसीलिए अपन इसे यहाँ से मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं। बोलिए कॉस्ट प्राइस कितनी? रेट ऑफ डेट 15%। अब आपने यहाँ पे 65,000 का फर्नीचर परचेस किया है, फर्नीचर खरीदा है जिसकी कॉस्ट प्राइस है 65,000, इस पर डेप है 15%, आपको निकालना है पर ईयर डेप। इसके लिए आप इक्वल लाते हैं कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस मल्टीप्लाई रेट ऑफ डेप, एंटर करेंगे तो यहाँ पे इस साल का डेप निकल आएगा। अब आपको निकालना है पर मंथ डेप, इसके लिए आप इक्वल लाते हैं पर ईयर डेप का सेल एड्रेस डिवाइड बाय 12, एंटर करेंगे तो यहाँ पर मंथ का डेप निकल आएगा। अब आपको निकालना है पर डे डेप, इसीलिए आप इक्वल लगाते हैं पर ईयर डेप का सेल एड्रेस डिवाइड 365, एंटर करेंगे तो पर डे का डेप निकल आएगा। अब आपको निकालना है यूज डेट, कितने दिन आपने संपत्ति का यूज किया है, कब परचेज किया था? 8 जनवरी को परचेस किया था और 8 नवंबर को